हेलो एंड व्हाट्सअप पीपल्स, कैसे हो आप सब। मैच के मुझे आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है एच के आर राइडर अहमदाबाद। आज हमारे सामने है स्क्रैम्बलर फॉर 11। अब ये स्क्रैम्बलर फॉर 11 एक्चुअली में एक वेरिएंट है हिमालयन का। हिमालयन के अंदर जो 411 सीसी का इंजन आता था उसी के बेस इस बाइक को बनाया गया है जिसका नाम है स्क्रैम्बलर 411। अब देखिए हिमालयन के अंदर फुल्ली फेयरिंग आती थी, थोड़ी सी मतलब फेयरिंग आती थी, ये वाला जो हेडलाइट का पार्ट है ना वो अंदर फिक्स आता था, वो हेडलाइट हिलती नहीं थी। ये जो हैंडल बार हिलाने से हेडलाइट हिलती है वो उसमें हिलती नहीं थी। उससे दिक्कत क्या होती थी कि ये जो पार्ट है रात के अंदर कोई भी ट्रैवल करता हो तो हेडलाइट से सीधा सामने का व्यू तो दिखता था फिक्स, लेकिन आसपास का व्यू देखना हो अगर हैंडल बार कोई मतलब टर्न आता है तब टर्न में दिक्कत होती थी हिमालयन के अंदर। तो उस चीज़ को सॉल्व किया गया है इसके अंदर स्क्रैम्बलर के अंदर, ताकि आप जिस तरफ भी इसको घुमाए उस तरफ इसकी हेडलाइट चली जाए। ये एक छोटी सी पार्ट यहाँ पे रखा गया है तक बहुत ही अच्छा लग रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस। ये वाला जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है काफ़ी अच्छा डिटेलिंग के साथ दिया गया है, इससे इसका लुक काफ़ी निखर के आता है। अब थर्ड चीज़ इसकी सीटिंग बहुत ही अच्छी फ्लैट सीट कर दी गई है। पहले हिमालयन के अंदर ड्यूअल सीट्स आती थी, अब इस स्क्रैम के अंदर सिंगल सीट आती है। इसकी वजह से हम लोग क्या है इसके पीछे थोड़ा सिरक के बैठ सके, इस वजह से इसके अंदर सिंगल सीट दी गई है। फोर्थ चीज़ यहाँ पे ग्रैब रिल्स काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए गए हैं। छोटी सी एक बैकलाइट दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी दिखती है, दूर से देखो तो काफ़ी मतलब सेट हो जाती है इसके लुक के साथ। देन एक एग्जॉस्ट दिया गया है प्यारा सा, इसका लुक ये जो ब्राउनिश थोड़ा कलर दिया गया है ना उसकी वजह से काफ़ी अच्छा दिखता है। देन अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बाइकें देखी हो इसमें ज़्यादातर ड्यूअल सस्पेंशन ही आते हैं पीछे की तरफ, लेकिन इसके अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं जो कि एडजस्टेबल है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और ये 411 सीसी का इंजन आपको फुल्ली मतलब ये लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, एयर कूल प्लस लिक्विड कूल के साथ आता है ये इंजन। यहाँ पे फॉग बूट दिए गए हैं, अगर आप चाहो गाइस तो इसको रिमूव कर सकते हो। इसको रिमूव करने के बाद एग्जैक्टली ऑफ रोडिंग पे अगर आपको जाना हो तो इस वाले रबर को आप रिमूव करके ग्रिप अच्छी पकड़ सकते हो इसके ऊपर, जो कि सिर्फ आगे वाला है ऐसा। अगर पीछे वाला देखो तो वो अब रिमूव नहीं होगा, ये देखो ऐसे होता है बट ये रिमूव नहीं होगा, ये यहाँ तक ही रहेगा। अगर साइड लाइट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको नॉर्मल बल्ब देखने को मिल जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इसके हेडलाइट की, तो हेडलाइट के अंदर आजकल के बाइकों में LED आती है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ गाइस LED उतनी काम की नहीं होती है। जब आप लॉन्ग ट्रैवल्स करते हो, नाइट में ज़्यादा चलाते हो, तो बल्ब जो आपको रोशनी प्रोवाइड करते हैं ना वो आपको LED नहीं प्रोवाइड कर पाती। फिर सबसे बेस्ट चीज़ इसके अंदर जो दी गई है ड्यूअल चैनल ABS, आपको इसके अंदर ड्यूअल चैनल ABS दिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है सेफ्टी के लिए। हम लोग इसके ऊपर बैठते हैं, एक ब्रॉड सा हैंडल बार हमको दिखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी एक अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड कर देता है, और थोड़ा सा अपराइट दिया गया मतलब आराम से आप चला सको उस तरीके का है ये। फिर यहाँ पे ये फ्यूल कैप दी गई है जो कि प्रीमियम, उसी क्वालिटी आप देखो सबसे पहले तो यार एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ दी गई है। देखो आजकल की कंपनियाँ क्या करती है इसकी क्वालिटी थोड़ी बिगाड़ देती है, पर ये एकदम रफ एंड टफ है, पूरी बाइक इवन रफ एंड टफ दी गई है। हर जगह पर मेटल का भर भर के यूज़ किया गया है इसके अंदर, चाहे आप उसको टैंक पे देख लो या फिर ये कैप देख लो या फिर ये वाला जो पार्ट देख लो, ये सब जगह पे मेटल्स का यूज़ भर भर के किया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे जो रॉयल एनफील्ड के खास करके हिमालयन और ये स्क्रैम्बलर की कुछ अच्छी चीज़ लगती है तो ये इसका एक्सेलरेशन का जो लीवर है, इस तरफ का लीवर है, ये लीवर्स दोनों बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि बाकी कोई कंपनी नहीं कर पाती। और जो बार एंड होते हैं कंपनी ऑलमोस्ट क्या करती है यहाँ पे प्लास्टिक डाल देती है बार एंड्स पे, पर ये रॉयल एनफील्ड प्रॉपर मेटल का इसको भी दे रही है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फिर इसकी क्वालिटी भी देख लो तो काफ़ी एक अच्छी क्वालिटी आपको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती है। अगर स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे पास इंडिकेटर है, हाई बीम लो बीम का ऑप्शन है, देन यहाँ पे साइड लाइट इंडिकेटर साइड लाइट्स का ऑप्शन है, देन यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे हैजर लाइट के लिए दिया गया है स्विच, किल स्विच, इंजन ऑन इंजन ऑफ, और यहाँ पे एक आइप नाम का बटन दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है पता है, ये मैं आपको बताते ही जैसे अब मीटर चालू करते हैं ये एकदम से ऊपर जाता है, बहुत अच्छा एनिमेशन है, मतलब एनिमेशन तो नहीं फिजिकली है, ये देखो कितना मस्त ऊपर गया, ये अच्छा लगता है ये सब। ये बटन को दबाने से देखो ये ओडोमीटर ट्रिप 1 ट्रिप बी ट्रिप एफ देन ओडो, ये सब आप चेंज कर सकते हो, दबा के रखोगे इसको तो ये रीसेट हो जाएगा। ये यूटर्न वाला तो होता ही है, इसके बाद ये ABS का सेंसर है, अगर ABS का सेंसर चालू है तो उसका मतलब आपका ABS काम नहीं कर रहा है,
ये फ्यूल का लो फ्यूल का इंडिकेटर है, लो बैटरी का इंडिकेटर दिया जाता है। अगर स्किल स्विच चालू करते हैं तो उसके बाद देखो यहाँ पे इंजन चेक लाइट भी आ जाती है। इंजन चेक लाइट का मतलब ये होता है कि इंजन के अंदर छोटी से छोटी कोई भी दिक्कत अगर हो जाती है, भले ही आपका बाइक चालू हो लेकिन इंजन में छोटी से छोटी दिक्कत हो जाती है तो इंजन चेक लाइट जल जाएगी, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ दिक्कत है मेरी बाइक के अंदर, अभी मेरे को सर्विस स्टेशन इसको लेके जाना पड़ेगा, वो आपको पता चल जाएगा इस इंजन चेक लाइट से। तो उसको कभी भी इग्नोर मत करना। स्क्रैम्बलर 411, अब देखते हैं यहाँ से वो गुजर पाती है या नहीं। ये गुजर गए हम, ये ऐसे चलाने के लिए ही बनी है। यहाँ से वहाँ चढ़ाओ, आप कहीं भी चढ़ा लो। अब देखो क्या पावर इसके अंदर आपको महसूस हो रही हो यार, गजब गजब, एक नेक्स्ट लेवल पावर आपको इसके अंदर महसूस होगी, क्योंकि इसके अंदर हिमालयन का इंजन भी है और उसमें से वेट भी कम कर दिया गया। ऑलरेडी हिमालयन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर था, बट इसको वेट लॉस करने के बाद तो ये थोड़ा हो गया। मतलब ये तो ऐसी चीज़ हो गई ना कि कोई 90 किलो के इंसान से का 20-30 किलो वेट लॉस हो जाए और उसके अंदर पावर वही रहे। तो मतलब ये कैसे चीज़ हो गई है, एक मोटा सा एक इंसान था उसको तराश के, वो एक रील था ना इंस्टाग्राम, मतलब रील या ऐसा क्वार्ट्स कैसा कुछ आता है ना, तो उसको हथौड़ी लेके अपने आप को वो कर रहा होता है ना, क्या करता है वो, अपने आप की फिनिशिंग कर रहा होता है, मतलब अपने आप को बना रहा होता है, इस तरह की कुछ चीज़ है। अब इसको भगा के थोड़ा देखते हैं हम लोग। यार भागने में जो फील आ रही है, सीरियसली ऑसम यार, फुल लॉन। ये कुत्ता उबासी लेता हुआ, गुड मॉर्निंग ब्रो। खींचने में मतलब ये बाइक ऐसी नहीं है कि खींचने के बाद बोले कि नहीं बस बस बस, ये ऐसी है कि और खींचो, मुझे और खींचो। ब्रेकिंग भी ऑसम है क्योंकि ड्यूअल चैनल ABS के अंदर आपको मिल जाते हैं। फुल रफ एंड टफ, चलाने में एक अलग ही लेवल का मजा है इसको। आपको क्या एक फन टू राइड चाहिए हो ना, फन टू राइड, तो उसके लिए बेस्ट है। अब अगर आपको ये लेनी हो मतलब एक अच्छे डिसेंट जगह से, तो वो है गाइस नेहरू नगर का सारा भाई वाला शोरूम, वहाँ से आप ले सकते हो। और डिटेल्स यहाँ पे नीचे शो हो रही होगी या तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा गाइस, तो आप ले सकते हो यार, मज़ा ही आ जाएगा।